बाजिछि कर्णाटक विधानसभा निर्वाचन पई बिगुल कर्णाटक विधानसभा निर्वाचन पई तारीख घोषणा करिसेंति मुख्य निर्वाचन कमिशन कर्णाटक 224 विधानसभा आसन पई मे 10 रे वोट ग्रहण हेबा सह मे 13 रे वोट गणति हबो चलित थर गोटे पर्याय निर्वाचन हेबो तेबे 2024 लोकसभा निर्वाचन पूर्वरु कर्णाटक विधानसभा निर्वाचन को सेमिफाइनाल कुआ जाउछि तेणु केवल कर्णाटकवासी नुहंती ए निर्वाचन फलाफल उपरे सारा देशर नजर रहिछि। बीजेपी दक्षिणर एकमात्र गड़े द्वितीय थर क्षमतासीन होगाक फुल दम लगि पड़ी। कांग्रेस मिशन साउथ अभियान कर्णाटक क्षमता को फेरवाई नुआ रणनीति आपणई सेपटे की मेकर साजिबा को तृणमूल स्तरर चेष्टा चलाई जेडीएस। नमस्कार, तर्जमा को स्वागत करुच्ची मु सत्यव्रत। कर्णाटक विधानसभा चलित कार्यकाल मे 24 तारीख में समाप्त होगा। एथर समस्त राजनैतिक दल एकाकी निर्वाचन लड़ाकू मनस्थ करजेपी एका निर्वाचन लड़ाक जाए कांग्रेस एकाकी निर्वाचन लड़ब जेडीएस और भारत राष्ट्र समिति मिलित भाव निर्वाचन लड़े सेपटे प्रथम थर कर्णाटक विधानसभा प्रार्थी देवाक प्रस्तुत हो आम आदमी पार्टी दल तरफ का सहित मेट करा जाए ना से भाई एमआईएम एकाकी निर्वाचन लड़ब घोषणा कर सबुठ रोचक कथा हूँ 2018 चारिथर शपथ नहीं तीन जन मुख्यमंत्री 2018 निर्वाचन को जदि आम नजर पकाइबा तेबे सेठरे विशेष भाव कांग्रेस और बीजेपी मध्य लड़े होता 2018 विधानसभा निर्वाचन में बीजेपी को 104 आसन मिलता बेले कांग्रेस को 80 और जेडीएस 37 आसन अक्तिर कर निर्वाचन फलाफल आसवापर बीजेपी सरकार गठन कर मुख्यमंत्री भाव शपथ नहीं बीएस येदुरप्पा हेले संख्या गरिष्ठता प्रमाण कर नपारी नाटक ढंग से इस्तफा दे येदुरप्पा से होते मात्र 6 दिन मुख्यमंत्री यापर जेडीएस और कांग्रेस मेंट सरकार गठन करते मुख्यमंत्री हो जेडीएस मुख्य एचडी कुमारस्वामी 14 मास सरकार चलते यापर जेडीएस और कांग्रेस मेंटर किसी विद्रोही विधायक को हाथ में कई पुणी सरकार गढ़ी येदुरप्पा हेले येदुरप्पा वयसधिक कारण कथा कहतु अबा अन्य किछि 2 वर्ष पर बीजेपी कर्णाटक पर नेतृत्व बदल बासवराज बोमाई को मुख्यमंत्री करते तेरे कांग्रेस विधायकों विद्रोह पर दल पाखे केत आसन अच्छी आसतु नजर पकाइबा बीजेपी पाखे 117 सीट रही बेले कांग्रेस पाखे 69 एवं जेडीएस पाखे 32 सीट रही 2008 कथा जी कह तेरे बीजेपी 110 कांग्रेस 80 जेडीएस 28 और अन्यान्य को 6 सीट मिलता बहुमत पर 113 सीट दरकार बेले बीजेपी 6 स्वाधीन विधायकों को नहीं सरकार गठन कर 2008 मुख्यमंत्री होते बीएस येदुरप्पा सदानंद गौड़ा और जगदीश सटार किंतु 2013 चित्र पूरा बदली जाता बीजेपी को 40 सीट मिलता बेले कांग्रेस को 122 जेडीएस को 40 और अन्यान्य को 2 सीट मिलता कांग्रेस बहुमत हासिल करी सेतबेले सरकार गढ़ी बेले सिद्धरमैया मुख्यमंत्री हो 5 वर्ष काल शासन भार संभालिथिले 2018 पुणि थे सरकार गढ़ा बीजेपी तेबे एबे आसंतु नजर पकाइबा कौन रही विरोधी पाखे प्रसंग भ्रष्टाचार संरक्षण हिजाब बिवाद और टीपू सुल्तान भली बड़ बड़ प्रसंग को एवं निर्वाचन प्रचार में बड़ मुद्दा करेंगे विरोधी हेले चलित निर्वाचन में नेतृत्व को नहीं एवं 2 दल संकट रही बीजेपी एवं 3 गोष्ठी रही गोटे गोष्ठी है बीएस येदुरप्पा और आउ गोटे गोष्ठी है बोमाई और प्रहलाद जोशी गोष्ठी एवं अन्य गोष्ठी है बीएल संतोषकर ग्रुप से कांग्रेस पचरे ना दल ने 3 गोष्ठी रही देखा जाए गोटे गोष्ठी है सिद्धरमैया आउ गोटे गोष्ठी डीके शुभकुमार और अन्य गोष्ठी है मल्लिकार्जुन खड़के गोष्ठी हेले एबे मल्लिकार्जुन खड़के कांग्रेस अध्यक्ष हेबापर एबे से गोष्ठी विवाद रे आग्रह रखिए बोली आशा करा जाऊ नाही किंतु बीजेपी कथा कहतु अबा कांग्रेस जदि एकाठी न हो लड़ती तेबे एहा 2 दल बुमेरांग मध्ये होई पारे किंतु एपटे कर्णाटक पूर्वतन मुख्यमंत्री येदुरप्पा चलित विधानसभा निर्वाचन लड़िबे नाही बोली घोषणा करिसेंति
ଯାହା ବିଜେପିକୁ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟକୁ ଟାଣିପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଅବଶ୍ୟ ସେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର କରି ପୁଣି ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପିକୁ କ୍ଷମତାସୀନ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ହେଲେ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ ଏହାକୁ କେତେ ସହଜ ଗ୍ରହଣ କରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବହୁମତ ହାସଲ କରିବାରେ ସହାୟ ହେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ଆଗକୁ 2024 ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ଥିବାବେଳେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନକୁ ସେମିଫାଇନାଲ କୁହାଯାଉଛି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ନମସ୍କାର। ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁନି। ନିର୍ଭୟ ସୂଚନା ନିର୍ଭୟର ସହ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ।